हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल फोर. क्या कह रहा है? टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स. ओके, इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन बी टू फिल द टैंक अलोन. ओके, तो लेट करते हैं सबसे पहले कंडीशन में. यहाँ पर लेट पाइप बी कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स ना, देन पाइप ए जो होगा वो क्या कह रहा है, 15 मिनट लेस ले रहा है. अच्छा, मिनट्स में है ये. ओके ओके ओके, ठीक पाइप ए कैन, देन पाइप ए कैन फिल द टैंक इन एक्स माइनस 15 मिनट्स. ठीक है, ओके. अब आ जाओ आप इन दोनों के लिए. मैं बोल रहा हूं पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ए इन 1 मिनट के अंदर कितना होगा, 1 अपॉन x माइनस. एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप बी इन 1 मिनट कितना होगा, 1/x. इन दोनों का जो पार्ट मिला के वो कितना बोल रहा है, ये 10 मिनट में बोल रहा है पूरा. मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ पाइप्स 1 मिनट कितना हो गया है, 1/10 हो जाएगा. इन दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, 1/x-15 प्लस 1/x = 1/10. एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 15 अपॉन x, एक्स माइनस 15 = 1/10. ठीक है, सॉल्व करो इसको. क्या हो गया, ये 2x-15 हो गया, ये तो ऊपर दो एंड नीचे हो गया, x² - 15x = 1/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्वेंटी एक्स माइनस 150 = x² - 15x. इधर उधर भेजो, स्क्वायर माइनस 15x - 20x + 150 = 0, 35x + 150 = 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करें. 30x, 5x + 150 मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 15, 150x हो जाएगा. एडिशन करोगे 35 हो जाएगा. एक्स कॉमन ले लेते हैं, x-30 एंड x-30 - 5, x-30 हो गया ये और x-5 हो गया ये. x का वैल्यू 30 भी आ गया एक मेरे पास, x की वैल्यू 5 भी आ गया. बट इंपॉर्टेंट इधर देखो, मेरे पास क्या था वो पार्ट, 1 अपॉन x-15 था. क्या था, 1 अपॉन x-15. अगर मैं इस x की जगह 5 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी. x = x≠5, रीजन बता दिया मैंने आपको, लिखा नहीं बस रीजन. ठीक है, सो x = 30 मानूंगा मैं अपना आंसर, है ना. हैंस 30 क्या था मेरे पास, x की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, कि पाइप बी जो है वो फिल करता है टैंक को 30 के अंदर, x मिनट में. देन फाइंड टाइम टेकिंग फॉर पाइप बी टू फिल द टैंक अलोन. तो मैं लिखूंगा यार, टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल टैंक अलोन कितना हो गया, ये 30 मिनट्स हो गया. ये बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक, क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीटेड.